असलम मई YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने रमज़ान में अपने घर को कैसे देखो किया है एंड कौन कौन सी चीज़ें मैंने ली है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कहाँ से ली है वो भी शेयर करूंगी ताकि जो लोग वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए ऐसे में होम टूर दे चुकी हूँ लेकिन आ, अभी थोड़ी सी घर में चेंजेस हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ रमजान टूर रमजान का जो डेकोरेशन है उसकी टूर शेयर कर दो सो चले यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं सो ये टेबल जो है वो हमने लिया था होम बॉक्स से सो uh, so, इसके ऊपर मैंने कुछ डेकोरेशन uh, की चीज़ें रखी हैं जैसे कि ये छोटी सी प्यारी सी फ्रेम है जो कि हस्बैंड के फ्रे uh, फ्रेंड ने गिफ्ट की थी uh, जब वो उम्र पे गए थे uh, माशाल्लाह ये बहुत ही की प्यारी सी uh, एक छोटी सी फ्रेम है जिसके ऊपर मस्जिद नब्वी है एंड अल्लाह ताला का नाम है गोल्डन एंड व्हाइट में ये बहुत ही खूबसूरत सी माशाल्लाह से छोटी सी एक फ्रेम है उसके बैक पे मैंने रखा हुआ है डिफ्यूजर एंड उसके बाद में मैंने रखी हुई है अपनी कैंडल सो ये लेवेंडर फ्लेवर की है एंड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये लाइट वाला व्हाइट कलर का ट्री जो कि आपको वीडियो में इसकी लाइट थोड़ी सी वाइट या ग्रे नजर आ रही होगी लेकिन एक्चुअल में ये गोल्डन है कैमरे के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है लेकिन बहुत ही प्यारा से बिल्कुल कोजी सा लुक देती है घर को एंड उसके पीछे यहाँ पर मैंने एक वाइट रोज की फ्लावर की पेंटिंग लगाई है जो कि यहाँ लोकल मॉल से ही मैंने खरीदी थी मुझे बड़ी पसंद आई थी सो so, माशाल्लाह ये भी बड़ी प्यारी सी है एंड यहाँ पे मैंने लगाई है एक यासीन शरीफ वाली फ्रेम जो uh, के हस्बैंड की फ्रेंड ने ही गिफ्ट की थी सो uh, so, उस uh, यहाँ पे मैंने सोफा के ऊपर लगाई है एंड उसके ऊपर मैंने साथ में एक तस्वीर भी लगा दी है सो so, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी ये सो uh, so, uh, ये देखिए इस तरीके का इसका लुक आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह एंड माशाल्लाह बिल, बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड उसके सामने यहाँ पे हमने एक और सोफा रखा हुआ है एंड उसकी बाजू में यहाँ पे मेरा कंसोल टेबल है सो so, uh, मेरी सबसे फेवरेट डेकोरेशन माशाल्लाह यहाँ पे है सो so, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सो uh, टेबल so, के ऊपर मैंने ये रनर बिछाया हुआ है जो कि मैंने तीमू से मंगवाया था मैंने तीमू वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था अगर वीडियो नहीं दिया दे, देखा तो मैं लिंक दे दूंगी आपको सो ये बहुत ही प्यारा सा है एंड इसके ऊपर रमदान लिखा हुआ है एंड उसके ऊपर मैंने रखी है ये लाइट जो कि कलर्स चेंज करती है गोल्डन वाइट एंड गोल्ड वाइट मिक्स है जो चाहे आप इसके ऊपर लाइट लगा सकते हैं साथ में मैंने ये वाइट कलर की लीली रखे हुए हैं जो कि अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किए हैं लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किए थे सो ये बहुत ही अच्छे सा एक एस्थेटिक सा लुक देते हैं एंड ये जो जार है वो मेरा आ, और जूस का जार है सो तो मैंने इसे यूज कर लिया एंड यहाँ पे मैंने दो इस्लामिक फ्रेम्स रखी हुई हैं ये भी हस्बैंड के एक फ्रेंड ने ही गिफ्ट की थी आ, सो शायद ये हैंडमेड है सो uh, so, इसके ऊपर मैंने ये बटरफ्लाई वाली लाइट लगा दी है एंड इसके बाजू में यहाँ पे वॉल पे भी मैंने बटरफ्लाइज लगाए हुए हैं एंड इसके साथ यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लॉक भी रखी हुई है एंड आज माशाल्लाह से वेदर बहुत ही अच्छा है यूए में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है कभी धूप निकल रही है एंड कभी बारिश हो रही है सो so, इस तरीके का आज वेदर चल रहा है माशाला माशा बहुत ही प्यारा सा वेदर है एंड यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं सो so, डाइनिंग टेबल की भी मैंने लुक चेंज कर दी है उसके ऊपर मैंने ये मैट्स रखी हुई ये मैंने तीनों से ही मंगवाई थी एंड इसके ऊपर मैंने क्लियर प्लास्टिक का कवर भी शीट बिछा दी है सो so, बहुत ही आ, एस्थेटिक सा एंड सिंपल सा लुक आ रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ओवर लुक नहीं दिया है इन चीज़ों को एंड उसके ऊपर मैंने एक कोस्टर रखा है अपना स्पून सेट रखा है एंड उसके बैक पे मैंने एक टिश्यू बॉक्स रखा है एंड इस वॉल के ऊपर मैंने आ, एक बहुत ही प्यारी सी आ, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़्रेम लगाई है ये फर्स्ट फ्रेम है जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने डेकोरेशन के लिए ली थी एंड उसके साथ मैंने ये स्टार वाली लाइट्स लगाई है मुझे इसे भी जलाना है लेकिन ये काफ़ी ऊपर है तो मेरा हाथ नहीं पहुंचता सो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी जलाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी सो तो ये है हमारा डाइनिंग टेबल का फाइनल लुक एंड अब आ जाते किचन में मैंने किचन में कोई खास डेकोरेशन नहीं की है जो चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी मैंने उठा कर यहाँ पर रख दी है सो uh, क्योंकि so, मुझे डाइनिंग टेबल पर सिंपल लुक चाहिए था सो so, एंड uh, बस इतनी सी चीज़ें जो है वो किचन में चेंज हुई है एंड एक और चेंज मैंने किया है स्टाव के ऊपर मैंने ये फॉल पेपर लगा दिया है ताकि आ, पूरा रमज़ान मुझे इसे क्लीन करते रहना ना पड़े आ, बस फॉल पेपर को मैं फटाफट से क्लीन कर लूँ सो so, बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरा डेकोरेशन भी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे अल्लाह हाफिज एंड रमदान मुबारक